हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रेलटेल ब्रॉडबैंड सुपरफास्ट इंटरनेट अब हर घर होगा स्मार्ट। राजपुर में बढ़ी पंचायत चुनाव की सरगर्मी, पहले दिन राजपुर में 133 लोगों ने नामांकन पर्चा किया दाखिल। शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव कराने को लेकर एसपी ने की थानेदारों के साथ समीक्षा बैठक, दिए कई अहम दिशा निर्देश। 12 सूत्री मांगों को लेकर नगर परिषद डुमराव के सफाई कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, नगर परिषद के अधिकारियों पर लगाया मनमानी का आरोप। कोरोना का टीका लगाने के दौरान जमकर हुई मारपीट, पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया मामला, तफ्तीश में जुटी पुलिस। और डुमराव से अपहृत छात्रा का 3 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग, घर वाले परेशान। हमारे समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। राजपुर प्रखंड के 19 पंचायतों में नामांकन के बाद सरगर्मी बढ़ गई है। मुखिया, सरपंच, वार्ड और पंच पद के लिए शुरू हुआ नामांकन का दौर। प्रखंड के सभी 19 पंचायतों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन के पहले दिन विभिन्न पदों के लिए 133 लोगों ने नामांकन के पर्चे दाखिल किए। इसमें मुखिया पद के लिए कुल 11 लोगों ने आवेदन दिया, जबकि पंच के लिए 14, वार्ड सदस्य के लिए 82, BDC के लिए 12, सरपंच के लिए 10 और जिला परिषद के लिए 4 लोगों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। जानकारी के मुताबिक पर्चा दाखिल करने के लिए यहां कुल 13 काउंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा 2 ड्रॉप गेट भी लगाया गया है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बलों और मजिस्ट्रेट की तैनाती भी कर दी गई है। इस बार के पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य पद के लिए अधिक अभ्यर्थियों के मैदान में उतरने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं सरपंच के अधिकार में बढ़ोतरी होने से इस पद के प्रति पंचायतों में रस्साकसी बढ़ गई है। प्रशासन पदों के हिसाब से नामांकन की सारी तैयारियों में लगा हुआ है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 के पंचायत चुनाव के बाद राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में वार्ड सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित होने के बाद यह पद मलाईदार की श्रेणी में शामिल हो गया है। दरअसल वित्तीय अधिकार मिलने के बाद इन पदों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। खासकर मुखिया, वार्ड सदस्य और सरपंच पद के लिए सबसे अधिक दावेदारी होने की संभावना है। पूर्व में पंचायत की योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं होने के कारण सरपंच पद को लेकर कोई खास उत्साह नहीं देखा जा रहा था, लेकिन इस बार के चुनाव में सरकार ने सरपंच के अधिकारों में बढ़ोतरी की है। अधिकार बढ़ाए जाने के बाद इस बार सरपंच पद के लिए भी मारामारी है। शांतिपूर्ण और निर्भीक वातावरण में पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर सोमवार को देर रात एसपी नीरज कुमार सिंह ने डुमराव थाने में समीक्षा बैठक की। बैठक में डुमराव अंचल के सभी थानों के थानाध्यक्षों को एसपी ने टास्क दिया। एसपी ने सभी को हर हाल में टास्क पूरा करने का भी आदेश जारी किया है। डुमराव थाने में आयोजित समीक्षा बैठक में एसपी ने डुमराव, नवानगर, कुरानसराय, मुरार और नया भोजपुर की बारी बारी से समीक्षा की। वारंटों के लंबित रहने और निरोधात्मक कार्रवाई की धीमी रफ्तार पर भी नाराजगी जताई और स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 12 सूत्री मांगों को लेकर नगर परिषद डुमराव के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के दूसरे दिन भी हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने नगर परिषद के अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि काम तो उनसे भरपूर लिया जाता है, लेकिन वेतन के नाम पर उनके साथ छलावा किया जाता है, जिसके कारण उनके सामने आर्थिक समस्या जैसी परेशानी खड़ी हो गई है। गौरतलब है कि अपनी मांगों के समर्थन में इससे पहले भी कई बार नगर निकायों के सफाई कर्मचारी धरना और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार और अधिकारियों का ध्यान अपनी समस्याओं की तरफ आकर्षित करा चुके हैं। बावजूद इसके अब तक उन्हें अपनी मांगों को मनवाने में कोई कामयाबी नहीं मिली है। राज्यव्यापी आयोजित इस हड़ताल के कारण साफ सफाई को लेकर भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। राजपुर थाना क्षेत्र के सगरा गांव में कोरोना वैक्सीन लेने को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए हैं। घटना की सूचना अनुसूचित थाने को दी गई है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सगरा प्राथमिक विद्यालय पर कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य चल रहा था। लोग घंटों से लाइन में खड़े थे। इसी बीच गाँव के ही एक शख्स द्वारा गलत तरीके से वैक्सीन लेने का विरोध लाइन में खड़े लोगों ने करना शुरू किया। विरोध करने के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों के साथ मारपीट करने लगा, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिसों ने इस मामले में अनुसूचित जाति थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है।
डुमराव थाना क्षेत्र से किशोरी का अपहरण करने का मामला प्रकाश में आया है। शादी की नियत से अपहरण करने का मामला सामने आने के बाद किशोरी के घर वाले काफी परेशान बताए जा रहे हैं, लेकिन 3 दिनों बाद भी पुलिस अब तक अपहृत किशोरी के बारे में कोई सुराग नहीं लगा सकी है। हालांकि पुलिस का मानना है कि अपहृत किशोरी का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि डुमराव शहर के लालचंद्रपुरमी की गली वार्ड संख्या 12 की रहने वाली 10वीं क्लास की छात्रा का शादी की नियत से अगवा करने का मामला सामने आया है। किशोरी के मां ने पुलिस को बताया है कि किशोरी घर से बाजार के लिए निकली थी, लेकिन वह लौटकर घर नहीं आई। घंटों छानबीन के बाद जब उसका पता नहीं चला तो इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। किशोरी की मां ने शादी की नियत से अपहरण करने का मामला दर्ज कराया है। कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने के लिए केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। वैक्सीन लेने के लिए डुमराव के डीके कॉलेज में भी मेले जैसा नजारा देखा गया। गौरतलब है कि टीका लगाने के लिए लोग घंटों लाइन में इंतजार कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बताते चले कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी पूरी तरह से टाला नहीं है, लिहाजा सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाए। वहीं टीका केंद्रों पर टीका लगाने के लिए आने वाले लोग कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करते नहीं देखे जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में लोगों से अपील है कि लोग कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करें, तभी कोरोना के संभावित खतरे से खुद को बचाया जा सकता है। मुंबई और नागपुर में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है, जिसके कारण लोगों की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा लोग सावधानी बरतने में बिल्कुल कोताही नहीं करें। खासकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर बेहद खतरनाक बताई जा रही है। ऐसे में लोगों को बेहद सावधान रहने की भी जरूरत है। गौरतलब है कि कोरोना का वैक्सीन आने के बाद लोगों में जागरूकता काफी बढ़ी है और लोग काफी संख्या में टीका भी लगवा रहे हैं। बावजूद इसके अभी भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान असावधानी बड़े खतरे का सबब भी बन सकती है। मंगलवार को रानी सती दादी जी के वार्षिक पूजा महोत्सव संपन्न हो गया। दरअसल रानी सती दादी जी की वार्षिक पूजा मरवाड़ी समाज के लोग मनाते हैं और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। नगर के गोलाघाट स्थित मंदिर में वार्षिक समारोह सोमवार व मंगलवार को मनाया जाता है। इसके लिए पूरे एक वर्ष तैयारियां की जाती हैं। यह मरवाड़ी समाज का विशेष उत्सव है, जिसमें महिलाएं पुरुष व बच्चे भी शामिल होते हैं, जिसमें विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किया जाता है और महाप्रसाद का भोग भी लगाया जाता है। इस बार भी रानी सती दादी की वार्षिक पूजा महोत्सव में लोगों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया और लोगों का उत्साह भी देखते बन रहा था। नगर के श्यामोत्सव वाटिका पैलेस में आयोजित रोटरी क्लब का वार्षिक समारोह संपन्न हो गया। इस दौरान रोटरी के नए अध्यक्ष सौरभ तिवारी एवं सचिव दीपू अग्रवाल ने कार्य योजना प्रस्तुत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोटरी के डीजी संजीव सिंह ने कहा कि अब हमारा क्लब कोविड-19 वैक्सीनेशन के महाअभियान को भी पूरी तरह से सहयोग करेगा, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। उन्होंने कहा कि जैसे हमने पोलियो उन्मूलन के दौरान अपनी पूरी ताकत और शिद्दत के साथ काम किया था, उसी तरह इस अभियान में भी हम काम करेंगे और सरकार का भरपूर सहयोग करेंगे। कृष्णा ब्रह्म थाना क्षेत्र के अरियाव गांव में एक ही रात 2 घरों में चोरी का मामला प्रकाश में आया है। घटना बीते रविवार की बताई जाती है, जहां चोरों ने घटना को अंजाम देते हुए न केवल नकदी रुपए बल्कि लाखों रुपए के गहनों पर भी हाथ साफ कर दिया, जबकि घर के अंदर सो रहे गृह स्वामियों को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। चोरों ने इस घटना को अंजाम देने के बाद चोरी के बक्से अटैची के साथ कपड़े गांव के पश्चिम बाजार में फेंक दिया। सोमवार की सुबह घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ कर मामले की जानकारी हासिल की। घटना को लेकर स्थानीय थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद अज्ञात चोरों की तलाश में भी पुलिस जुट गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने देर शाम वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यूपी के तरफ से बाइक से आ रहे एक युवक को पकड़ा। युवक के पास से 5 बोतल शराब भी बरामद किया गया है। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद ने बताया कि पकड़ा गया शराब कारोबारी बक्सर शहर के बुधनपुरवा का रहने वाला लल्लू कुमार बताया जाता है। पूछताछ के बाद शराब कारोबारी को जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव को देखते हुए उत्पाद विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ शराब तस्करों पर पैनी नजर गड़ाए हुए है और गुप्त सूचना एकत्रित कर इन शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।